वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं HTML सीरीज की एक और। पिछले वीडियो में हमने अभी तक डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, HTML क्या होता है, इसके एलिमेंट्स और की फीचर्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, टैग्स के बारे में मैंने आपको बताया था। बेसिक्स इसका सिंटेक्स मैंने आपको बताया था कि इसका सिंटेक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे हम डिक्लेरेशन देते हैं, कहाँ पे हम की एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हेड पार्ट और बॉडी पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हेड पार्ट में टाइटल पार्ट होता है और वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट शो होता है वो आपको बॉडी पार्ट के अंदर होता है। थोड़ा सा एक एडवांस कुछ इसके हैं चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ टैग्स के बारे में और एक एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वापस से आ गया हूं अपने उसी फोल्डर के अंदर जहां पे हमने इसका HTML फाइल क्रिएट की थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे जनरली हम नोटपैड के अंदर इसे ओपन करते हैं, तो आज हम क्या करेंगे, इसे हम एक कोड एडिटर के अंदर ओपन करेंगे। मैं यूज कर रहा हूं यहां पे एटम, आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी है, सबलाइम है। तो जैसे मैंने एटम को पहले से ओपन करके रख रखा है, मैंने एटम को यहाँ पे ओपन किया, उसके बाद मैंने अपने वाली फाइल ओपन की जो मैंने HTML फाइल बना रखी थी इंडेक्स। ठीक है, तो ये था जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन टाइप डिक्लेरेशन थी, फिर की एलिमेंट हमने HTML डिफाइन किया था, उसके बाद हेड पार्ट और बॉडी पार्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ और कोड एडिटर के हिसाब से मैं HTML स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले HTML जैसे टाइप किया, ये अपने आप इसका बाय डिफॉल्ट सिंटेक्स बन के आ गया जो है वर्जन 5 का। तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा दिख रही होंगी, जैसे HTML में लैंग और ट्री अलग से एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, उसके बाद मेटा करके एक टैग है जिसके अंदर कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट दिया हुआ है जिसमें UTF-8 है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जो HTML की हमारा एलिमेंट है उसके अंदर ये लैंग, ये जो एट्रीब्यूट है ये आपका है लैंग्वेज के लिए कि हम कौन सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर यूज करेंगे। और तो उसके अंदर जो है EN दिया हुआ है यानी इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हम इसके अंदर यूज करेंगे। जो कैरेक्टर्स वगैरह जो हम दिखा रहे हैं इसके अंदर, जो लाइंस, जो पैराग्राफ, जो हेडिंग्स दिखाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेजेस की होंगी। तो ये हमने डिफाइन किया है साइड बाय साइड। इसके अंदर है DIR करके एक एट्रीब्यूट जिसके अंदर लिखा हुआ है LTR, तो इसका मतलब होता है डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी। और इस एट्रीब्यूट के अंदर जो ये वैल्यू है आपकी LTR, इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट। ओके, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। बॉडी पार्ट के अंदर आप लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और चलिए मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूं हेलो वर्ल्ड को। ये लीजिए, हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो है साइड है, ये लेफ्ट साइड है हमारे वेब पेज की और ये राइट साइड है वेब पेज की। तो अब ये कैरेक्टर कहां से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये इस डायरेक्टरी का काम है। अगर लेफ्ट की जगह आप राइट टू लेफ्ट इसके अंदर कर देते हैं तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ चल रहा है इसका फ्लो टेक्स्ट का। तो सिर्फ डायरेक्टरी जो है उस चीज के लिए है ये। तो हम इसको वापस से लेफ्ट टू राइट कर देंगे क्योंकि वही हमारी डिफॉल्ट वे होती है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं मेटा टैग के ऊपर। ठीक है, तो मेटा टैग जो है उसके अंदर हमने कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट डाला हुआ है जिसकी वैल्यू है UTF-8। तो ये कार सेट, कैर सेट जो भी लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टर सेट की, यानी सेट ऑफ कैरेक्टर हमने कौन सा यूज किया है। सेट ऑफ कैरेक्टर माने तो कि हमने स्मॉल ए टू जेड जो है अल्फाबेटिक्स हमने लिए हैं, कैपिटल ए टू जेड हमने जो है अल्फाबेटिक्स लिए, अल्फाबेटिक लिए हैं। उसके बाद हमने 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक्स लिए हैं। 0 से 9 न्यूमेरिक्स के अलावा हमने क्या लिया, अगर आप ऊपर डिक्लेरेशन में देखें तो एक्सक्लामेशन सिंबल हमने अलग से लिया है। उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन के सिंबल हम जो है यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम डबल कोट्स यूज कर रहे हैं। डबल कोट्स के अलावा हम &% भी यूज करेंगे जो स्पेसिंग में है। ओके, और ऐसे ही जितने भी मतलब आप लगा लीजिए स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम यूज करने वाले हैं, जो अल्फाबेट्स यूज करने वाले, जो न्यूमेरिक कीज यूज करने वाले हैं, ये सभी सभी क्या है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, वैल्यू दी हुई है UTF। अगर आप UTF के अलावा देखना चाहें तो और बहुत से हैं, ISO 88591, UTF-8 हो गया, Shift-JIS हो गया, उसके बाद Big 5 हो गया, EUCKR हो गया, ये बहुत सारे हैं अलग अलग
करेक्टर सेट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स डिफाइन कर रखे होते हैं। ये उसी तरीके से मान लीजिए एंड्रॉयड 10 जो है आप यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड 10 आपका ओएस है मोबाइल का, ठीक है, उसके अंदर बहुत से फीचर्स बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पुराने एंड्रॉयड के जो वर्जन थे एंड्रॉयड 5 एंड्रॉयड 6 उसके अंदर वो फीचर्स नहीं थे। अगर आप इन नए फीचर्स को पुराने एंड्रॉयड में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो वो नहीं होंगे, उन फोन्स में आपको वो नहीं मिलेंगे जो एंड्रॉयड 10 के फोन्स में आपको मिल रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उनको एंड्रॉयड के उस वर्जन के अंदर ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। एंड्रॉयड 5 की चीजें हैं वो आपको एंड्रॉयड 10 में मिल जाएंगी, बट 10 की 5 में नहीं मिलेंगी। उसका रीजन यही है कि जो वर्जन 10 है उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो उसी तरीके से जो वर्जन 5 HTML का हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कैरेक्टर सेट है वो हम UTF-8 यूज करते हैं, जिसमें वर्जन 5 के अंदर जितने भी टैग्स और कैरेक्टर्स और सिंबल्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी HTML वर्जन 5 की वो हम UTF-8 के अंदर जो है हमें मिल जाती है। तो ये था दोस्तों छोटा सा आपका टॉपिक आज का, जिसके अंदर हम सिंटेक्स के बारे में थोड़ा सा आपको एडवांस में बताना चाह रहे थे। अगर आप किसी कोड एडिटर के अंदर स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना तो बाय डिफॉल्ट जब आप HTML का जो सिंटेक्स लोड करते हैं HTML टाइप करके तो सारी की सारी चीजें अपने आप लोड हो जाती हैं। तो कुछ इस तरह की चीजें आए तो आप लोग पजल ना हो जाए कि ये क्या है कहाँ से आया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, वेट कीजिएगा नई वीडियो का। आशा करता हूँ कि आप वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली ट्राई भी कर रहे होंगे और बहुत अच्छी बात भी है। चलिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।